बैंक आइयियों में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इम्पोर्टेंट रूट वर्ड्स को देखेंगे हम 10 इम्पोर्टेंट रूट वर्ड्स को देखेंगे जिनके थ्रू हमारी वकैबुलरी लर्निंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा हम जल्दी अच्छी तरह से वर्ड्स को रिकगनाइज कर पाएंगे स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट रूट वर्ड दैट इज़ एंटी एंटी शब्द ये एंटी नहीं है ये एंटे है एंटी शब्द का अर्थ होता है बिफोर ये एक जो शब्द काफ़ी बार पूछा जाता है एंटीबिलम एंटीबिलम शब्द का अर्थ होता है बिफोर द वॉर ये अधिकतर यू एस सिविल वॉर के संदर्भ में यूज़ किया जाता है यू एस में जो सिविल वॉर हुआ था नॉर्दर्न और साधर्न पार्ट्स के बीच में एटीन सिक्सटी वन से लेके एटीन सिक्सटी फाइव तक तो जो पीरियड बिफोर द वॉर था बिफोर द सिविल वॉर था और ये वॉर जो लड़ा गया था वो स्लेवरी को हटा आने के लिए लड़ा गया था तो जो पीरियड बिफोर द वॉर है उसके लिए हम एंटी शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक पिक्चर भी है गॉन विद द विंड जिसमें ये पूरी -की पूरी की स्टोरी ऑफ सिविल वॉर दिखाई जाती है विच इज बेस्ड ऑन एंटीबिलम एंड सिविल वॉर सो एंटीबिलम शब्द का अर्थ होता है बिफोर वॉर एंटी शब्द का अर्थ है बिफोर और इसी का ही एक एग्जाम्पल है एंटीबिलम दैट इज बिफोर वॉर एक और वर्ड को देखते हुए एंथ्रोप एंथ्रोप शब्द का अर्थ होता है मैन एंथ्रोप जो रूट वर्ड है दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज मैन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जो है दैट इज द स्टडी ऑफ मैन द स्टडी ऑफ कल्चर्स द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन जो कि मैन से रिलेटेड है सो द स्टडी ऑफ मैन और द कल्चर जहाँ पर मैन इन्हेबिट करता है उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं सो so यहाँ पर एंथ्रोप जो रूट वर्ड है उसका अर्थ है मैन एक और एग्जाम्पल है मिसैंथ्रोप मिसैंथ्रोप और मिसेनथ्रोप का अर्थ होता है समनु हेट्स मैनकाइंड सो जॉनथन स्विफ्ट जैसे कि बहुत ही फेमस मिसैंथ्रोप थे सो so मिसैन का अर्थ होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड जो मैनकाइंड को बिल्कुल पसंद नहीं करता है फिलैंथ्रोप फिलैंथ्रोप का अर्थ होता है लवर ऑफ मैनकाइंड फिलो का अर्थ होता है लवर सो लव सो यहाँ पर फिलेंथ्रोप इज अ लवर ऑफ मैन काइंड एंड फिलेंथ्रोफिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु लव्स मैन और इसीलिए बहुत अधिकतर धनराशि वो दे देते हैं वो बहुत जेनरस हो जाते हैं धनराशि देने के प्रति एंथ्रोपमोर्फिक एंथ्रोपोमोॉर्फिक शब्द का अर्थ होता है मैन लाइक क्वालिटीज ये जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी वहाँ के जो गॉड्स एंड गॉडसेस थे उनमें जेलसी थी उनमें भी मैन काइंड की तरह जो नेचर होता है उस तरह का नेचर था तो उन गॉड्स को डिफाइन करने के लिए अधिकतर इस शब्द का प्रयोग किया जाता था एंथ्रोपोमॉर्फिक एंथ्रोपोमोर्फिक का अर्थ होता है हैविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स सो हम लोगों ने यहाँ पर रूट वर्ड देखा एंथ्रोप जिसका अर्थ है मैन

is when we are using the word belligerent which is coming from the root word bel jiska arth hota hai war यहां पर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं बेली कोस बेली कोस का अर्थ होता है वॉर लाइक -like. एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई करने को आतुर रहता है उसके लिए हम बेलिकोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं समन उज ऑफ़ फाइटिंग वॉर लाइक बेली पोटेंट बेली पोटेंट का अर्थ होता है बेली पोटेंट समन उज माइटी इन वॉर जिसको आ, कभी भी हम पराजित ना कर सके ऐसा व्यक्ति जो कि अपराजित है जैसे कि एक्लिस हो गया या कोई और हीरो जिसको कभी भी आप वॉर में हरा ना सको माइटी इन वॉर उसके लिए हम बेलिपोर्टेंट शब्द का प्रयोग करते हैं देन बिलैट्रिक्स बिलैट्रिक्स एक शब्द है जो कि एक इम्पॉर्टेंट शब्द है जिसका अर्थ होता है अ फीमेल वॉरियर दैट इज वॉट द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिलैट्रिक्स इज सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर हमें रूट वर्ड पता हो तो उसके साथ वाले कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को सीखना आसान हो जाता है एजी सो बिलेट्रिक्स इज अ फीमेल वॉरियर सो अगेन वॉर के संदर्भ में ही प्रयोग किया जाने वाला Moving on to another very simple root word, Benny. Beni shabd ka arth hota hai good. That is what we mean by the root word. बेनी और बेनी ना यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हुए बेनिफिट बेनिफिट शब्द का अर्थ होता है प्रॉफिट मुनाफा हो जाना जो कि अच्छी चीज है benefactor, benefactor का अर्थ होता है अ सपोर्टर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सपोर्ट करता हो दैट इज वेन वी आर यूजिंग द वर्ड बेनीफैक्टर बेनीडिक्शन बेनीडिक्शन शब्द का अर्थ होता है एक प्रेयर जो आप करते हैं सो so, एक तरह की कभी भी जब आप पूजा कर रहे हैं प्रेयर कर रहे हैं प्राथमिक कर रहे हैं दैट इज वॉट बाई बेडिक्शन शब्द जिसको हम देख भी चुके हैं या benizin, इसका अर्थ होता है ब्लेसिंग देना आशीर्वाद देना बेनिफिशरी कोई ऐसा व्यक्ति हु इज अ हुट ऑफ वेल्थ हु इज अ हुट ऑफ प्रॉपर्टी बेनिफिशरी सो यहां पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे जो रूट वर्ड बेनी से एसोसिएटेड है मूविंग ऑन टू द फिफ्थ रूट वर्ड सीड सीड का अर्थ होता है गो सो प्रसीड Proceed ka arth hai go before. So this is preceded by this event. It's going before. So seed ka arth hai go. And as we can see over here, proceed means to go before. We've got exceed. Exceed shab ka arth hota hai to go beyond the limit or expectations. To go beyond the limit or expectations, that is exceed. Proceed. To keep on going. Chalte rehna. Proceed. Let's proceed with the next point. Let's proceed with the next agenda intercede to go in between Beach Mehi Kardena please don't intercede please ensure that you're not interceded so intercede to go in between. Moving on to the next word.

यहाँ पर वी गॉट सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर द वर्ड क्रेड क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल का अर्थ लिटरल होता है आपके सर्टिफिकेट्स अ डॉक्यूमेंट जो कि प्रूव करता है कि आप बिलीव कर सकते हैं उस व्यक्ति को सो ऑफन इन इंटरव्यूज आपको अपने क्रेडेंशियल्स लेके जाने होते हैं सो दैट द इंटरव्यूअर कैन बिलीव यू सो अ डॉक्यूमेंट दैट प्रूव सर अ पर्सन इज़

Incredible, not believable. Incredible, not believable. Credulous, credulous, easily believable. मतलब easily आप उनको उल्लू बना सकते हैं सो credulous means easily fooled या easily आप उनको बेवकूफ बना सकते हैं मूविंग ऑन टू another root word, लोक्वा लोकवा शब्द का अर्थ होता है स्पीक द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड इज स्पीक वीव गॉट एन example, eloquent. एलिकुंट जो शब्द है इसका अर्थ होता है समन हु कैन स्पीक वेल ऐसा व्यक्ति जो कि आसानी से बात कर सके आर्टिक्यूलेट है सो एलिक्वेंट नाउ यहाँ पर वी गॉट अदर वर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद लोक्वा और लॉक जिसका अर्थ होता है स्पीच या वर्ड्स क colloquial common language again words say ya speech is associated loquacious loquacious very talkative बातचीत करने में बहुत मजा आता है loquacious interlocutor interlocutor शब्द का अर्थ होता है speaker moderator िक्वी सोलई का अर्थ होता है ये एक ड्रामा के अंदर जब एक व्यक्ति अपने आप से ही बात कर रहा होता है और कोई नहीं है स्टेज पे सिर्फ ऑडियंस उन्हें सुन सकती है तो उसके लिए हम सोलई शब्द का प्रयोग करते हैं सो सॉलिक्वी जब आप बातचीत करें अकेले में सोलो परफॉर्मेंस सोलिक्वी सूशन लक्यूशन सकम लिक्यूशन का अर्थ होता है राउंड अबाउट गोल मोल तरीके से बातचीत करना दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड circumlocution or circumlocution एलिक्यूशन एलिक्यूशन का अर्थ होता है जब आप अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स रखते हैं इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होती हैं आपकी दैट मीन्स बाहर जाके किसी भी तरह से आप जनता के साथ बातचीत कर सकते हैं यू कैन इंटरैक्ट विद मास सो यूजली पॉलिटिशंस आर ग्रेट एट एलिक्यूशन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती है ग्रैंडिलोकुंस ग्रैंडिलोकुंस शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ कॉम्पस लैंग्वेज इन्फ्लेटेड लैंग्वेज सो उसके लिए हम ग्रैंड एलोक्स शब्द का प्रयोग करते हैं सो so, यहाँ पर हम लोगों ने देखा लोकुआ एंड सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विथ स्पीच और वर्ड्स विच आर इम्पोर्टेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूट वर्ड मैग्नी मैग्नी शब्द का जो रूटवर्ड है इसका अर्थ होता है ग्रेट बिग सो एग्जाम्पल मैग्नीफाई मैग्नीफाई हो गया टू इन लार्ज और टू मेक बिगर सो मैग्नी मैग्नी यहाँ पर अर्थ होता है ग्रेट और मैग्नीफाई जब आप किसी चीज़ को बड़ा कर देते हैं

मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, समथिंग दैट इज कैरेक्टराइज बाय ग्रैंडी बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा सो दैट इज़ व्हेन वी आर कॉलिंग और वी आर यूजिंग द वर्ड मैग्निफिसेंट, मिग्नी मैग्नी लोक्विंट मैग्नी लोकविन का अर्थ होता है अगेन ग्रैंडी लोक्विंस की तरह ही मैग्नी लोक्विट शब्द का भी अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना यूसिंग पॉम्पस लैंग्वेज मूविंग ऑन टू अनाथ सिंपल यट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड दैट इज मैल मैल रूट वर्ड का अर्थ होता है बैड बुरा जैसे कि मैल एडजस्टेड समथिंग दैट इज बैडली एडजस्टेड उसके लिए हम मैल एडजस्टेड शब्द का प्रयोग करते हैं वीव गॉट मैलोडर मेलोडरस मेलोडोरस कोई चीज जो कि नॉइसम है एज वीव सीन और समथिंग दैट इज हैविंग अ फाउल स्मेल बैड स्मेल है बहुत बदबू आ रही है उसके लिए मैलओडर शब्द का प्रयोग किया जाता है है मैलाफाइड और मैलाफाइड डी दैट इज दी ऑपोजिट ऑफ बोनाफाइड सो यहाँ पर इन बैड फेथ बोनाफाइड इन गुड फेथ एंड जेन्यून एंड मैलाफाइड और मैलाफाइड का अर्थ होता है इन बैड फेथ मलाइन मलाइन का अर्थ होता है जब आप दूसरे को डिफेम करने की कोशिश करते हैं उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं इवल नेचर स्लैंडर और डिफेम मलाइन के अर्थ होते हैं मैलडी शब्द का अर्थ है एक डिजीज दैट इज अ अडी दैट इज दैट इज इनकाउंटर्ड बाई ऑल द पीपल इन द रीजन मैलिफीसियंस का अर्थ है

मलेस मलेस इज अ डिजायर कि आप दूसरे को हानि पहुंचा सके मलेस दैट इज इनहैबिटेड इन हिज माइंड कैन नॉट बी इरेज और कैन नॉट बी रिमूव्ड मैलड्रॉयड मैलड्रॉयड का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति हु इज अनस्किलफुल एज वी कैन सी ओवर हियर ऑल द थ्री वर्ड्स मैलडी का अर्थ है एक तरह की डिजीज ओ प्लीज प्ले फॉर मी दैट स्वीट मैलडी ऑफकोर्स दिस इज एक्चुअली अ पन वो मेलेडी को मैलडी कह रहे हैं मैल कंटेंट शब्द का अर्थ होता है एक पोलिटिकल एजिटेटर मलेस एज वी सो इल विल जब आप दूसरे का बुरा चाह रहे हैं सो दैट इज वेन वी आर यूजिंग वर्ड मलेस मेलेफिस मींस एन ईवल एक्शन मेलेड्रॉइड अनस्किलफुल मेलोविल जब आप दूसरे के लिए ईवल चाहते हैं मूविंग ऑन टर्न अदर रूटवर्ड न्यो न्यू शब्द का अर्थ होता है न्यू न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज न्योफाइट न्योफाइट नोसीकिया सो रूट वर्ड का अर्थ होता है नया आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं और इन 10 रूट वर्ड्स और इनके एग्जाम्पल्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं